नमस्कार आज हम बात करने आए हैं हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स हार्वेस्टिंग का मतलब होता है क्या सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग और कैसे किया जाता है हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग का मतलब फसल की कटाई और ये जो है फसल की कटाई कैसे की जाती है ये सब के बारे में अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहली बात है कि ये प्रोसेस जो है प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग तो यहाँ पर कटिंग और गैदरिंग मतलब कि उसको काट के एक जगह इकट्ठा किया जाता है किसान अपने खेतों से जो है वो कटाई के बाद उसको इकट्ठा करके कहीं पर ले आके रख देते हैं उसे खलिहान कहते हैं एक खास जगह बनाया हुआ रहता है और वहाँ पर खलिहान में इसके आगे का प्रोसेस होगा तो इसमें कटाई के लिए हम लोग जो है वो कुछ टूल्स का उपयोग करते हैं और वो टूल्स जो है होगा सीकल अगर मैनुअल हार्वेस्टिंग हो रहा है तो इसमें एक इस तरह का एक ये इस तरह से बना हुआ औजार होगा इसका उपयोग किया जाता है यह है सीकल ये सीकल का उपयोग किया जाता है या लोग हाथ से भी इसे जो है मैनुअली भी अपरूट करते हैं किसान बहुत सा फसल ऐसा है जिसको केवल ऐसे ही हाथ से उखाड़ा जाता है जैसे मसूर है तो उसकी जो मतलब कि कटाई के लिए केवल हाथ से उखाड़ा जाएगा उसे और कभी कभी थोड़ा सा उसे हंसिया का उपयोग करके मतलब ये सीकल का उपयोग करके काटा जाता है अब आजकल मॉडर्न टेक्निक में क्या किया जाएगा कि वो जो है एक मशीन हार्वेस्टर मशीन का उपयोग किया जाता है फसल की कटाई के लिए गेहूँ और धान दोनों की कटाई के लिए हार्वेस्टर का यूज़ होता है और उसे कंबाइन भी कहा जाता है चूँकि उसमें और इसके बाद कटाई के बाद जो प्रोसेस होता है हारवेस्टिंग के बाद का प्रोसेस है एक थ्रेसिंग वो भी हो जाता है और विनोविंग हो जाता है उसमें साथ साथ तो यहाँ पर किसान जो अपने फ़सल को काट कर मतलब कि ये जो मैच्योर क्रॉप है मैच्योर क्रॉप को वो एक जगह इसे काट के और फिर बंडल बना देंगे इस तरह से उसको जो है वो रख दिया जाता है और फिर इसे एक बड़ा सा बंडल बना के और उसको खेत से जो है खलिहान तक पहुंचाया जाता है अब वहाँ पर खलिहान में क्या होगा दो चार दिनों के बाद उसकी जो है वो थ्रेसिंग की जाएगी और थ्रेसिंग एक जो है प्रोसेस क्या है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम मैच्योर क्रॉप या जो है हार्वेस्टेड क्रॉप से जो है इसमें से ग्रेन्स को निकालने का जो प्रोसेस है वो चलता है और ये ग्रेन निकालने का जो प्रोसेस है वो हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड समझें ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता था कि जैसे धान से यदि अलग करना है उसका सीड तो उसे पीट पीट कर एक बड़ा सा बना दिया जाता था ये जो है पत्थर पर या दोनों तरफ से प्लैंक्स पटरा रख के और यहाँ ऊंचा बंडल्स लगा दिया जाता है कुछ इस तरह से यूज़ किया जाता है और किसान इस पर जो है वो अपना धान का जो बंडल होता था वो उसको पीट पीट के यहाँ ऐसे इस तरह से इसको इस पर पीटेंगे किसान इसको पकड़ के हाथ से और यहाँ पर इसकी जो है वो पिटाई किसान द्वारा किया जाएगा तो इस तरह से किसान जो तो है इसकी पिटाई इस पर करते हैं और ये जो है प्रोसेस बहुत लंबे दिनों से चला रहा था अब धीरे धीरे लोग मशीन का यूज़ करते हैं और इसको एक गोल चक्का वाला मशीन रहता है मतलब इस तरह से इसमें गोल चक्का ड्रम जैसा ये लगा हुआ है और इसमें बहुत सा हुक जैसा ये लगा हुआ होगा और ये रोटेट करेगा जब इसको किसी भी तरीका से इसको रोटेट करवाना है मतलब यहाँ डीज़ल इंजन या बिजली वाला तो इस पर इसको रखा जाएगा धान को और ये जब टर्न करेगा मतलब ये जब गोल गोल घूमेगा तो ये जो है इसमें यहाँ पर इससे झरते चला जाएगा इसका जो धान का जो सीड है वो अलग इसमें हो जाएगा तो ये भी एक प्रोसेस है इसी तरह से कुछ को जो है वो डंडे से पीट पीट कर भी सेपरेट करने का जो है वो तरीका है फिर किसी चीज़ को उसको जो है वो काट कर भी छोटा छोटा टुकड़ा में बदल के भी किया जाता है और पहले एक होता था बैल जो है वो चारों तरफ से मतलब कि एक गोल गोलाई वाला जगह में ये जो है ये होगा यहाँ पर एक लगा दिया जाता है बीच में बड़ा सा इसको ऐसे हम लोग देहाती भाषा में इसे मेहठा कहते हैं मतलब एक बड़ा सा बांस लगा दिया जाएगा या जो भी है लट्ठा और इसको जो है वो बैल दो तीन चार पाँच बैल अलग अलग मतलब जितना ज़्यादा है फसल उसमें यहाँ पर लगा दिया जाएगा तीन चार बैल को एक साथ ही इसमें जोड़ दिया जाता है। और फिर इससे जो है ये गोल गोल बैल घूमेगा इधर और यहाँ पर इस सबके सबको एक रस्सी से बांध दिया जाता है यहाँ ऐसे गोल गोल घूमेगा और यहाँ पर घूमने से यहाँ उसके जो पैरों के नीचे जो आएगा जैसे मसूर गेहूँ ये सब का थ्रेसिंग जो है वो किया जाता था इस तरह से पहले और ये जो है दमाही जिसे कहा जाता था गांव में और लोग इससे जो अपना जो मतलब ये थ्रेसिंग का ये जो है ट्रेडिशनल प्रोसेस तरीका ये जो है और फिर आजकल अब जो है वो मशीन रहता है और उसे ट्रैक्टर से या डीजल इंजन से चलाया जाता है और उससे थ्रेसिंग का, का काम बहुत ही आसान हो गया उसमें जो है लगभग एक घंटा में पूरे खेत से वो जो है एक खेत का पूरा थ्रेसिंग हो जाएगा इस तरह से तो ये सेपरेट करने का तरीका है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग अब थ्रेसिंग के बाद एक तरीका है उसको सेपरेट करना है भूसा मतलब कि वो जो चाफ निकलेगा टुकड़ा जो छोटा छोटा है तो उसको अलग करने का अब तरीका है विनोविंग और ये जो है हवा द्वारा किसान जो है ऊंचे पर खड़ा होकर और ऊंचा जगह पर खड़ा होके और वो अपना बास्केट में या इस तरह से यूज किया जाता था और इसमें अपना ग्रेन्स भूसा सहित जो है उसको रखा जाएगा और ऊपर से इसको गिराया जाएगा नीचे तो इसमें क्या होगा कि जो देखिए यहाँ दो ढेर लगेगा मतलब ये जो है ये यहाँ पर अनाज का और ये हो गया इसका चाप ये हो गया भूसा का और इधर हो गया ग्रेन्स तो इस तरह से ये जो भारी इसमें जो रहेगा हैवी फीड ग्रेन्स जो है वो यहाँ पर आएगा और इसका जो है ये लाइट है वो दूर चला जाएगा लाइटर सबस्टांस दूर चला जाएगा और इधर हैवियर तो दोनों एक जो है सेपरेट गैप बन जाएगा यहाँ पर इसका ढेर जो है वो सेपरेट हो जाएगा इस तरह से हवा से इसको किया जाता है लेकिन आजकल ये जो है अब इसे एक मशीन जो बिनोवर कहलाता है बिनोवर मशीन का उपयोग किया जाएगा और इस तरह से ये जो है हवा देने वाला मशीन का यूज़ किया जाता है इसमें लगा हुआ रहेगा और इस तरह से ये आगे चैन से ये जुड़ा हुआ होगा और यहाँ पर इसमें जो है वो इसको हैंडल मतलब ये अलग रहेगा और किसान इसको हैंडल से घुमाएंगे और ये जो है हवा देने का काम करेगा और ये जो है ब्लोअर बन गया और इसके सामने भी वैसा किया जा सकता है लेकिन ये भी जो है आजकल अब नहीं होता है सब कुछ एक एक ही मशीन जो है वो थ्रेसिंग भी उसमें हो जाएगा मतलब हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग और बिनोविंग सब कुछ एक ही साथ उसमें हो जाएगा और उस मशीन को कहते हैं कंबाइन केवल किसान को सीधे बोड़ा में उसको मतलब वो गन्नी बैग जो है झूठ वाला उसमें वो पैकिंग करने की मतलब ज़रूरत होती है बस और उसमें सारा प्रोसेस हो जाएगा उसमें न, उस, न उसमें मिट्टी का टुकड़ा मिलेगा न कुछ मिलेगा बहुत ही एकदम साफ सुथरा अनाज कंबाइन मशीन से बाहर निकल जाएगा अब यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस क्या कहलाएगा प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ बाय यूजिंग विंड मतलब कि हवा की गति का उपयोग किया जाता है यहाँ और इसको अलग अलग सेपरेट करने का जो तरीका है ये कहलाएगा विनोविंग और इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब कटाई के बाद किसान खूब खुश हो जाते हैं मतलब अपने घरों में जब अनाज को लाते हैं तब उसके बाद ये जो है वो अनाज देखकर खूब खुश हो जाते हैं बेहद ही खुश हो जाते हैं इसलिए कि उनका मेहनत जो है वो रंग लाया और यहाँ पर अपना कुछ सामान बाज़ार से ख़रीदते हैं और वो जो है अलग अलग तरीक़ा से वो अपना उसे फेस्टिवल का रूप ले ले दे देते हैं और वो कहलाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल बहुत सा हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको मिलेगा और इसमें जो है पोंगल होली दिवाली ये सब जो है और नबन्या बीहू ये सब हम लोग होली मनाते हैं तो वो भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है इस तरह से करके हम लोग जो है वो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग कर सकते हैं और इसमें यहाँ पर जो है अलग अलग तरीक़ा से इसे जो है वो किया जाएगा तो पोंगल में या फिर देखे होंगे नवन्या में लोग जो है वो चूड़ा दही ये सब यूज़ करते हैं खाते हैं कहीं पर खिचड़ी बनाया जाएगा तो कहीं अलग अलग, अलग चूड़ा दही तिलकुट यूज़ किया जाता है तो अलग अलग तरीका से लोग जो है वो अपना मनाते हैं फेस्टिवल अब है अस्टोर करने का तरीका तो स्टोरेज के लिए किसान क्या करेंगे वो अपने घरों में अलग अलग तरीका से ये जो है स्टोर किया जाता था पहले स्टोर करने का जो तरीका था वो था कि मिट्टी का बड़ा सा बर्तन बना हुआ रहेगा और उसमें किसान जो है वो अपना अनाज रखते थे उसे कोठी कहा जाता है मिट्टी का बना हुआ रहता था और उसमें यूज़ करते थे लेकिन आजकल अब मेटल बीन्स का बना हुआ मतलब बड़ा सा वो जो है ड्रम रहेगा और उसमें रखा जाता है इस तरह से करके आजकल जो है वो अपने अनाज को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख पाते हैं साथ साथ फिर और इसमें होता है गन्नी बैग्स मतलब जूट का बोरा जिसे कहेंगे गन्नी बैग्स में रखा जाता है किसान मतलब ये जो है प्रोड्यूसर लेवल प्रोड्यूसर मतलब किसान जो करेंगे वो खेतों में काम किए और यहाँ जो घर में आ गया अनाज तो उसे रखेंगे मेटल बीन में या फिर गन्नी बैग्स में रखते हैं तो ये जो है हार हार्वेस्टिंग के बाद दूस मतलब सबसे लास्ट में ये जो है सबसे तरीका जो है वो उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे क्योंकि वो जो है उन्हें साल भर यूज़ करना होगा नेक्स्ट सीजन जब तक ना आ जाता है तब तक उन्हें यूज करना भी है और साथ साथ कुछ उसको जो है इकोनॉमिक वैल्यू वाला है तो उसे बेचना भी है मतलब उससे उन्हें जो है वो पैसा मिलेगा तो वहाँ अब ट्रेडर्स लेवल ट्रेडर्स जो है वो ख़रीदेगा और ख़रीदने के बाद ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पर वो अपना अनाज को रखेगा अपना छोटा सा गोदाम बना के गोडाउन जो है उसमें रखेगा और वो गन्नी बैग में रखने का काम करता है इसी तरह से फिर अब ये जो है ट्रेडर्स सप्लाई करता है या डायरेक्ट भी आजकल अब सप्लाई होता है एफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो यहाँ जो है एफ लेवल पर एफ लेवल पर होगा तो वहाँ पर सिलोज बड़ा बड़ा बना हुआ रहता है सिलोज और फिर इसके अलावा ये जो है वो बना हुआ रहेगा गोडाउंस में भी रखा जाता है गन्नी बैग्स में करके और उसे गोडाउंस में भी रखते हैं तो बड़ा बड़ा जग जो है एफ सी आई लेवल पर यह जो है वो किया जाएगा उसको स्टोर सीलोज में ये जो है एफ सी आई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो इसमें यहाँ पर जो है ये रखा जाएगा फूड स्टफ को और वो लगभग चार से पांच वर्ष के लिए जो है हमारे यहाँ बफर स्टॉक रखा हुआ है जैसे कि अभी इस लॉक जो है लॉकडाउन की स्थिति में बहुत से लोगों को जो है वो दिया जाता है अनाज अनाज ये सब जो है वो दिया जा रहा है वो सब बफर स्टॉक वाला ही है तो इस तरह से करके जो है स्टोरेज हो गया अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद